और ये है रावण जी की सेना, बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं ये, आप देख सकते हो। और ये हमारे मेघनाथ जी, मंत्री जी, और ये देखिए मंत्री जी, और एक ये मंत्री और आप देख सकते हो जी, हमारे नन्हे नन्हे योद्धा भी तैयार हो रहे हैं, और आप देख सकते हो कितने ही खतरनाक लग रहे हैं ये सभी। और ये देखिए, और ये हमारे देखिए काफी अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए हमारे भाई काफी खतरनाक सीन होने वाला है। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। और आज का ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज होगा भरत मिलाप और श्री लंका की नाक भी काटी जाएगी। और आप पूरा ब्लॉग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम। और देखिए हमारे कलाकार बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए, जय श्री राम। और आपके सामने पहला सीन रेडी है, और अभी भगवान राम जी आ चुके हैं। पिताश्री पर नाम, माताश्री पर नाम। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से किरदार निभा रहे हैं। पिताजी अब हमें आगे दीजिए, क्योंकि हमारा ज्यादा समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। मत जाओ राम, रुक जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा क्या होगा। राम राम मत जाओ, राम राम रुक जाओ। स्वामी ये आत्मा में आ रहा है। स्वामी महारानी, जो मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जैसे मैंने जंगल में श्रवण कुमार की हत्या की थी, और उनके माता पिता ने मुझे पुत्र की योग में तरफ तरफ कर मरने का श्राप दिया था। आज मुझे स्वामी आपको क्या हो गया? स्वामी स्वामी उठो, स्वामी उठो। आप किसी का हमारा कौन है यहाँ पर? स्वामी क्या हो गया आपको? और अभी आपके सामने सीन हो चुका है ख़त्म, और हमारे बहुत ही अच्छा सीन किया है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा किया है। और हमारे शत्रुघ्न जी आ चुके हैं। यह शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जी। हाँ भैया जी, मुझे भी कुछ देर से ऐसा प्रतीत हो रहा है
कोई बेकार समाचार कानों में सुनाई देगा। भैया शत्रुघ्न, वही जगह जहाँ पर दिल हर वक्त खुशी से प्रसन्न रहता है। बात तो आपकी भी सही है, मुझे कुछ देर से फिर से ऐसा बताइए कोई बेकार समाचार आने वाला है। ये है हमारा मंत्री। महाराज प्रणाम। महाराज अयोध्या से संदेश आया है, बस आपको जल्दी बुलाया है। अरे तुझे संदेशा दिया किसने? माता कैकेयी ने। उन्होंने क्या कहा? बस आपको जल्दी ही बुलाया है। और कुछ? बस आपको जल्दी ही बुलाया है। भैया शत्रुघ्न, अगर हम नाना जी की आज्ञा लेकर अयोध्या जाना चाहिए। जी भैया जी। माता जी प्रणाम। पुत्र माता जी, ये सारी अयोध्या नगरी सुनसान क्यों पड़ी है? आखिर बात क्या है? बेटा धीरे रखो, सफर से आए हो, कुछ देर आराम कर लो, फिर सारा हाल मालूम हो जाएगा। माता जी कम घुटा जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, आखिर बात क्या है? और आप फरमा रहे हैं कि सफर करो। हाँ बेटा, बात तो मामूली सी है। महाराज ने तेरी गैर हाजिरी में ही राम का राजतिलक करने का वचन दिया था। यह बिना सोचा कि परम निहाल क्या हुआ है, उसे आज दिया जाने दे। मुझे यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। माता जी जल्दी बताओ आगे क्या हुआ। मुझे यह गवारना था कि भरत और भरत की माता चाकरों की तरह महल में रहे और कौशल्या और रामचंद्र हुकूमत करे। किसी वक्त मैंने महाराज से दो वर लेने का वचन लिया था, उसमें मैंने तुम्हारे लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष का प्रवास मांगा। आगे कहो। पहले तो महाराज लिखोलाल करते रहे, मगर जब रामचंद्र ने सुना तो वह पिताजी की आज्ञा को पालन करने के लिए फौरन तैयार हो गए। अरे बस करो बस करो, देवता सुमान भैया को वनवास सुनाते वक्त तुम्हारी जुबान क्यों ना चल गई? पिताजी की मृत्यु के समय तुम पर बिजली क्यों ना गिर पड़ी? दाता लक्ष्मण और माता सीता को साथ जाते देख तुम्हारी आंखें क्यों ना फट गई? बेटा अरे काश मैं तेरी गोद से पैदा ही ना होता, ताकि दुनिया आज मुझे मतलबी और फुटकर के नाम से ना जानती। बेटा इधर पिताजी स्वर्ग सिता है, उधर भैया राम लक्ष्मण और माता सीता बनों में ठोक रहे खाए, भरत के माथे पर खुद कलंक का टीका लगा जिसे स्वयं देवता भी नहीं मिटा सकते। बेटा मेरी दूध की तो लाज रख। अरे उसी की तो लाज है, वरना अब तक मर गया होता। काश जब तूने मुझे दूध पिलाया होता उसी समय मैंने उगल दिया होता। भैया शत्रुघ्न, अब हमें भैया राम को ढूंढने बनों में जाना होगा। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटा दो, जो हमारे साथ भैया राम को ढूंढने जाना चाहता है वो हमारे साथ चल सकता है। भैया शत्रुघ्न, अब हमें इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए और शीघ्र भैया को ढूंढने बनों के लिए जाना चाहिए। जी भैया जी। अभी अगला सीन तैयार हो रहा है और हमारे भगवान राम जी आ चुके हैं और ये देखिए हमारे सभी साथी अभी रेडी हो चुके हैं, ये करेंगे अखाड़ दूसरे का सीन आएगा और ये उनके साथ आएंगे। हमारा सीन डांस देखना अभी। हाँ इनका ये बहुत ही अच्छा डांस करेंगे। ये भगवान लक्ष्मण जी अजय काफी अच्छा लग रहा है। जे रह गए जे हमारे साथी, जे भी बहुत अच्छा रोल करते हैं। हेलो गाइस, और सीन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कहा लक्ष्मण? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है।
लक्ष्मण अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलते, हमारे हंसे मिलने के लिए आ रहा होगा और उनके साथ माताएं भी होंगी, पिताजी भी आ रहे होंगे। अगर मिलने के लिए आता तो जाना कुछ साथ लेकर आता। नहीं लक्ष्मण नहीं, अपने मुख से ऐसी बातें ना निकालो। और अब आप देख सकते हो भरत मिलाप। माताएं और पिताजी कैसे हैं? भैया जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्या कहा भरत जी आपने? भैया जी सभी दोष मेरी माता का मुझ पर आ चुका है। भरत जी मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ कि मुझे ना ही आपसे कोई शिकायत है ना माता पति से कोई शिकायत है। भैया जी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपका कोई दोष नहीं, सभी कसूर मेरा ही है। शत्रुघ्न जी भी बात करने आ रहे हैं। भैया जी अकेले शत्रुघ्न नहीं बल्कि उनके साथ सभी माताएं नजदीक आ रहे हैं। माता जी का नाम आइए माता जी। माता जी आपने इस दूर दराज सफर में आने की वृथा तकलीफ क्यों उठाई? कुछ तो बोले माता जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाय हाय अब बिचारी के मुंह में जुबान कहां? दोबारा देखने को मिला। क्या कहा माता जी आपने? हाँ बुद्ध तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं है। ओहो हुआ हम बन को बना रहे और पिताजी का लोक सिला रहे। भैया जी मैं आपको निश्चय दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको अयोध्या वापिस लेने के लिए आया हूँ। नहीं भैया जी मैं आपके साथ अयोध्या वापिस नहीं जा सकता। भैया जी आपको अयोध्या वापिस जाना ही होगा। नहीं भैया जी अगर मैं आपके साथ वापिस जाऊंगा तो हम पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। भैया जी अगर आपका यही कर्म है तो भरत के लिए सबसे बड़ा कर्म है कि मैं भी आपके चरणों में रहूं और खुद भी चौदह वर्ष का प्रवास काटूं और सन्यासियों की तरह जिंदगी जीऊं। लेकिन भरत अगर आपने हमारे साथ वनवास काटा तो अयोध्या कौन संभालेगा? भैया जी वो सब कुछ शत्रुघ्न जी देख लेंगे। नहीं भरत नहीं अभी रेडी हो रहा है ये बने स्वरूप का। जी हाँ अभी बने स्वरूप लगा देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और अभी आएगा इनका सीन और आप देख कर हैरान हो। सीता
पिता से ही आगे से 14 साल का वनवास साथ के लिए बन बन भटक रहे हैं। देवी मैंने अपना सारा कुछ बताया लेकिन आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पनखा हूँ और मैं यूं ही पंचवटी में घूमती फिरती रहती हूँ। आज मैंने आपको देखा तो मेरा मन मोहित हो गया है। देखिए दीदी मैं आपके दिल की मंशा को समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह ऐसा नहीं हो सकता दीदी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। परंतु क्यों? इसलिए क्योंकि हम पहले से ही विवाहित हैं और हमारे धर्म के अनुकूल हम सिर्फ पूरे जीवन में एक ही बार शादी कर सकते हैं। परंतु हमारे धर्म के अनुकूल एक मनुष्य कई शादियां कर सकता है, तो आप में ऐसा क्यों नहीं? देखिए दीदी अगर हमने एक से ज्यादा शादी की तो हमें पाप लगेगा, इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो मेरे दादा अनुज लक्ष्मण से पूछ सकते हैं। बड़ा तो नहीं मौना, छोटे से जाके पूछती हूँ। जी जाइए। देखिए मुझे आपके भैया जी ने भेजा है। कहिए सुंदरी ये क्या काम है? मैं आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। क्या कहा? विवाह का प्रस्ताव। जहाँ तो मैं अपने भाभी और भैया का सेवक बन रहा हूँ, अगर आप मुझसे शादी करोगी तो आप भी साथ नहीं पहुँच जाओगे मेरे साथ? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी, कृपया आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपसे शादी कदाचित नहीं करना चाहता। इन दोनों में यही स्त्री वादा डाल रही है, क्यों ना इसका ही काम खत्म कर दिया जाए। सीता आज मौसम बहुत सुहाना है तो बुरा कब होता है? कब भी जगह शराब ना हो वो भी मंगा लेते हैं। पहले उत्तम दत्तराक्षस को तो आने दो, काम मर गए वो कम वक्त। Thank you.
वासी कौन है? मैं तेरी मौसी सुरूपना। अरे मौसी क्या हुआ? मेरी नाक कट गई। अच्छा हुआ मौसी तेरा नाक कट गया और बच्चों का आधा कट गया। पीछे हट कर वासी। अच्छा हुआ मौसी तेरी दुकान से हो गई खलासी। क्या बात होगी है मौसी? जरा मेरे को बता। मेरी नाक कट गई। अभी तो राम ही दिखाई दे रहा है। चलो पहले एक को ठिकाने लगाते हैं। हेलो अभी युद्ध के लिए तैयार हो। अरे राक्षस तेरे सेना तो जमलोक से जा गई, अब तेरी बारी बाकी है। अरे नालायक तुम क्या समझ रहे हो? इस रूप लगा की नाक काट के जहाँ से जीवित चले जाओगे, परंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं कर उठकर जिसे को भी कच्चा चबा दूं और तकार तक ला दूं। अरे तुम राक्षस राजा हो तो हम भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय हमने ये धनुष बाण ऋषि मुनियों की आज्ञा से उठाए हैं, जो तुम जैसे मृगों को डोल डोल कर मारते हैं। आयो नलाय मोम की तरह पीस कर पल पल में मिटा दूं, चाहूं तो कुचल दूं अभी मिट्टी में मिला दूं। संग्राम में तो वीर मचलते नहीं देखे, संग्राम में वीर मचलते नहीं देखे और युद्ध में बातों के तीर चलते नहीं देखे। आयो नलाय मैं तो बच्चा समझ के तलवार नहीं चलाता, पर ना मैं तुझे ताता हूँ मैं चबा जाता। कभी ना चलती पर इस तरह चबा तेरी, बना देता पूछे उड़ा देता तजिया तेरी। अरे ओ निर्लज वीरों को पाते बनाना नहीं आता, वीरों को पाते बनाना नहीं आता और डरपोक को हथियार सजाना नहीं आता। अच्छा तो संभाल मेरा बात। हो जाते यार। और शुभ लंका की नाक काटने का सीन देखा और बाकी हम आपको कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉक में, और आप उसे बने रहिए ताकि और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला हर ब्लॉग आप तक पहुंचता रहे। जय श्री राम।